धन्यवाद सर, आपने विद्यालय नेतृत्व पर जो बातें कही गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं, और हम आशा करते हैं कि जब शिक्षक ये कोर्स कर रहे होंगे ये सभी बातें उनके ध्यान में आएंगे और वो अच्छे से इस कोर्स को करेंगे, बल्कि कोर्स को करेंगे ही नहीं उसका विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो साथियों, आपको पता ही है कि ये कोर्स करने के लिए दीक्षा ऐप पर लॉगिन करना होता है, और दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने के बाद कोर्स पर पंजीयन करना होता है। कोर्स 9 पर इस माह, कोर्स 10 पर, ये दोनों कोर्स पर इस माह अलग अलग पंजीयन करना होगा। कोर्स 9 के लिए अलग पंजीयन होगा, कोर्स 10 के लिए अलग पंजीयन होगा। जैसे ही इन कोर्स पर पंजीयन होगा, कोर्स के रीडिंग मटेरियल आपके सामने उपलब्ध हो जाता है, जिनमें से रीडिंग मटेरियल होता है, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, क्वेश्चनायर होते हैं, और बहुत सारे बातें भी होती है। ये सभी बातों से जब आप गुजर जाते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वीडियो को समझ लेते हैं, तो आपके पास 20 प्रश्नों की एक प्रश्नावली आती है, जिसमें से कम 14 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने होते हैं। और जैसे ही आपके 14 प्रश्नों के सही जवाब प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको एक ई सर्टिफिकेट तत्काल वहीं पर आपको मिल जाता है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो आशा करते हैं ये दोनों कोर्स अविलंब करेंगे, जल्दी से करेंगे, और इस सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने की। तो अभी आप कोर्स 10 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो चलिए कोर्स 9 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। और कोर्स 9 एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसे हम कहते हैं बुनियादी संख्यात्मकता, फाउंडेशनल न्यूमरीसी। जब इन कोर्स को करेंगे तो आपको 3-4 बातें पर ज़्यादा जोर दिया गया है, वो है गणित और संख्यात्मकता से जुड़े कौशल। कौन कौन से गणित के संख्यात्मकता से जुड़े कौशल हैं, जिनमें से मुख्यतः है वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना, एक एक संगतता करना, स्थानिक समझ विकसित करना, आंकड़ों की समझ विकसित करना, पैटर्न की समझ विकसित करना, ये बुनियादी संख्यात्मकता कहलाती है। ये 5-6 बातें मिलकर के बुनियादी संख्यात्मकता कहलाती है। बुनियादी गणितीय कौशल की आवश्यकता क्यों है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। मूलभूत गणित और संख्यात्मकता के पहलू क्या है और उसके कंपोनेंट घटक क्या है, इन पर आपको इस कोर्स में जानकारी मिलेगी। मूलभूत गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएं क्या है, और अंतिम में आपको मिलेगा आकलन से संबंधित संख्यात्मकता का, मूलभूत संख्यात्मकता का हम आकलन कैसे करें, ये बातें आपको इस कोर्स को करने के बाद मिलेंगी। तो इसकी बुनियादी संख्यात्मकता क्या है, यदि हम कहें इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है, इसे कैसे करते हैं, बच्चों को ये क्यों करवाया जाना चाहिए, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान की परिभाषा क्या है, पिछले कुछ वर्षों में इनकी परिभाषा में बदलाव आया है, वो कौन कौन से बदलाव है और क्यों आए हैं, आकलन को हम कैसे देखें, ये सारी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये इन बातों पर इस कोर्स में जानकारी मिलेंगे। वो कौन कौन से दक्षताएं हैं, जो दक्षताएं मिल करके संख्यात्मक दक्षताएं बनती हैं, और इनमें मुख्यतः से आते हैं संख्या एवं अवधारणाएं, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, संख्या और संक्रियाएं, स्थानिक समझ, ये सब दक्षताएं आती हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, संप्रेषण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। गणितीय सोच को हम कैसे ले जा सकते हैं, उसको उजागर कैसे कर सकते हैं, वह कैसे गणित की दक्षताओं के साथ आगे बढ़ती है, भाषा और गणित की भाषा किस तरह से काम करती है, ठीक है सर, गणित की दक्षताएं भाषा की दक्षताओं के साथ कैसे काम करती है, और भाषा की दक्षताएं गणित की दक्षताओं के साथ कैसे काम करती है, इन चीजों पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो ये देखते हैं संख्यात्मकता के पहलू क्या है, थोड़ा फिर दिखा दो।
पहले वाले। मूलभूत संख्यात्मकता के पहलू और घटक, इसमें से उनके पहलू क्या है? तो पहली है गिनती करें और अंक प्रणाली को समझे, गिनना सीखे और अंक प्रणाली को सीखे, ये बुनियादी संख्यात्मकता के पहलू के अंतर्गत आता है। गणितीय तकनीकों में महारत हासिल करें और ये करने के लिए संख्याओं को दर्शाने के लिए उनके आधार प्रणाली को समझे, आवश्यक परंपराओं को समझे। तीन अंकी संख्याओं में मूलभूत संक्रियाएं करने में वो सक्षम हो जाए, गुणा, जोड़ना, भाग करना, घटाना, एक एक संगतता, ये सारी चीज में वो दक्ष हो जाए। स्थान और वस्तुओं की समझ बढ़ाने के लिए संबंध परक शब्दावली को सीखे, दोहराने वाली आकृतियों से लेकर संख्याओं में सरल पैटर्न को समझे, दैनिक जीवन में गतिविधियों में सरल डेटा सूचनाओं का संग्रह या प्रतिनिधित्व और उसका व्याख्या कर सके, ये बुनियादी संख्यात्मकता के पहलू कहलाते हैं। उनके घटक देखिए, आगे बढ़ा। बुनियादी संख्यात्मकता के घटक क्या है? आधारभूत गणित और संख्यात्मकता, इनके घटक। पहला है संख्या पूर्व अवधारणाएं, दूसरा है संख्याएं तथा संक्रियाएं, तीसरा है आकार और स्थानिक समझ, चौथा है मापन, पांचवा है पैटर्न, छठवां है आंकड़ों का प्रबंधन, सातवां है गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ये इनके घटक हैं। तो चलिए इनके घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या है? संख्या पूर्व अवधारणाएं जब किसी वस्तु को गिनना चालू करते हैं तो मुख्यतः तीन बातें आती है, जिसमें से एक होता है वर्गीकरण, दूसरा होता है क्रमबद्धता और तीसरा होता है एक के साथ एक की संगतता। ये गिनते समय ये तीन प्रमुख बातें आती है। किसी वस्तु के समूह को गिन रहा है तो वो वस्तु के समूह दो उपसमूह में बढ़ जाता है, एक वो समूह जिसमें गिनी हुई वस्तु है और दूसरा वो समूह जिसमें गिनी जाने वाली वस्तु है। जब कोई वस्तु को गिन रहे हैं तो गिनते गिनते जो गिन गया वो एक समूह बन जाता है, जो नहीं गिना गया है वो दूसरे समूह बन जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा है क्रमबद्धता, जब गिनती करते समय वस्तु को क्रम से जमा के रखना चाहिए। क्यों जमा के रखना चाहिए? इसलिए जमा के रखना चाहिए ताकि गिनते समय किसी वस्तु को गिनने न छूट जाए या गिनते समय किसी वस्तु को दोबारा न गिना जाए। ये ऐसी गिनने के जो ज्ञान है, सीखना है, ये क्रमबद्धता कहलाता है। और गिनते समय एक एक संगतता होना चाहिए, एक वस्तु को गिने तो एक बोले, दूसरे वस्तु को गिने तो दो बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो तीन गिनते जाए और किसी वस्तु को छोड़ दे और किसी वस्तु को दोबारा गिन ले, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो एक एक संगतता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ये संख्या पूर्ण अवधारणाएं के अंतर्गत आती है। अब अगला देखें, दूसरा संख्या और संक्रियाएं। तो हम देखते हैं संख्या को तीन प्रकार से उपयोग किया जाता है, एक जिसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, दूसरा है ऑर्डिनल नंबर कहलाता है जिसको क्रम सूचक संख्याएं कहलाती है, और तीसरा है नॉमिनल नंबर होता है जिसको नाम के रूप में जानते हैं। कार्डिनल नंबर का अर्थ होता है, जैसे एक उदाहरण देखें, 30 छात्र पिकनिक पर गए थे, इसका मतलब होता है 30 जिस जो संख्या का प्रयोग किया है वो 30 छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है। 30 कहने का मतलब 30 छात्र हो सकते हैं, 30 वस्तु हो सकते हैं, 30 फूल हो सकते हैं, तो इस तरह से 30 का उपयोग किया गया है, एक प्रकार से उपयोग है। दूसरा है क्रम सूचक संख्याओं के रूप में भी संख्या का उपयोग करते हैं, जैसे बाएं से चौथे नंबर के बच्चे के भूरे बाल हैं, या किसी लाइन में खड़ा है तो ये कहेंगे कि शुरू से लेकर के सातवां नंबर में राहुल खड़ा हुआ है, तो सातवां नंबर सात कह रहे हैं, सातवां कह रहे हैं, यहाँ हम उस सात को क्रमबद्ध के रूप में देख रहे हैं, जबकि पहला सात कहेंगे तो सात बच्चे होंगे, सात कुल होंगे, दूसरा सातवां कह रहे हैं तो शुरू से लेकर के सातवां नंबर के बच्चे आएंगे, जबकि तीसरा है नॉमिनल रूप में देखते हैं, नाम के रूप में,
ट्रेन संख्या 2298 अभी अभी निकली है, इसका मतलब है उस ट्रेन का नाम है 2298। जैसे किसी कार्यालय में जाते हैं तो किसी को कहते हैं कि कमरा नंबर 5 में जाना, तो यहाँ 5 कमरा नंबर 5 को दर्शाता है, उस कमरे का नाम 5 रखा गया है। तो देख ये हम आप देख रहे हैं कि संख्याओं को कैसे हम तीन तरह से उपयोग करते हैं। फिर से देखें, यदि हम 5 वस्तु कहें तो वहाँ पर 5 वस्तु होगा, 5वें कहें तो शुरू से या बाएं से या दाएं से हम 5वें नंबर पर जाएंगे, और 5वां कमरा नंबर 5 कहें तो हम एक कमरा को ढूंढते हुए जाएंगे तो एक हमको दिखेगा कि कमरा नंबर 5 दिखेगा। तो इस तरह से हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें होती है संख्याओं को में समझ विकसित करने के लिए। आगे कर दो, अनुमान से संबंधित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे इससे अधिक, कम, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, लगभग, लगभग और बीच में, ये ऐसे संख्याओं के बारे में उपयोग करना चाहिए जिससे संख्याओं पर ज्ञान बढ़ता है। अनुमान लगाना ये बहुत आवश्यक है संख्याओं को सीखने के लिए और समझने के लिए। इसमें कितनी वस्तुएं हैं अनुमान लगाना चाहिए, और अनुमान लगाने के बाद उसको वास्तविक संख्या को पता करना चाहिए, तो ये संख्याओं को समझने में आवश्यक होता है। इसके अलावा छात्रों को कुछ मनोरंजक और सीखने पर आधारित गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिससे विभिन्न संख्याओं की अवधारणा विकसित होती है। बच्चों को उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे एक साथ, वस्तुएं निकालना, कितनी बार, समान, साझा करना, ऐसे शब्दावली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानिक समझ, आकार और स्थानिक समझ, ये तीसरा घटक है, आकार और स्थानिक समझ। स्थानिक समझ गणित का वह क्षेत्र है जिसमें आकार, स्थान, स्थिति, दिशा और गति शामिल होती है। यह उस स्थान और परिवेश का वर्णन और वर्गीकरण करने में मदद करता है जिसमें हम रहते हैं। तो स्थान और आकार ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं, क्योंकि इनसे हमारा दैनिक जीवन में हमेशा आवश्यकता पड़ता है, इन्हीं के बीच में हम रहते हैं, तो हमें स्थान के बारे में और आकार के बारे में विशेष सीखने की आवश्यकता है। प्रमुख अवधारणाओं में स्थान और आकार के प्रमुख अवधारणाओं में देखते हैं, त्रिआयामी आकार होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस की सपाट सतह होती है, घुमावदार सतह होती है, ठोस की आकार की सतहों पर दिखाई देने वाले आकृतियां शामिल है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, वृत्त होता है, ये आकार कहलाते हैं, और ये सारे चीज हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास, हमारे परिवेश में दिखाई पड़ते हैं। अगला घटक है माप, मापन जिसको हम कहते हैं। हमें दैनिक जीवन में असंख्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें वस्तुओं के मात्रा या माप शामिल होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे या सब्जी खरीदने जाएंगे या लकड़ी की वस्तुओं खरीदने जाएंगे और इमारतों का निर्माण करना हो, तब ये सारी चीज मापन से संबंधित होती है। इसमें मुख्यतः मापन में कुछ बातें आती है, जिनमें से पहला है लंबाई और दूरी। कितनी लंबाई की वस्तु खरीदे, या कहीं जाना है तो हमको किसी स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमको ये पता करना होता है उनकी उन स्थानों के बीच की दूरी कितनी होती है। ये सब दैनिक जीवन में रोज उपयोग में लाया जाता है, ये मापन के अंतर्गत कहलाता है। वजन और द्रव्यमान, सब्जी खरीदने जाएंगे तो कितना आलू खरीदना है या कितना टमाटर खरीदना है या कितना दाल या चावल या अन्य सामान खरीदना है। मात्रा और क्षमता, किसी वस्तु की कितनी मात्रा आएगी या हम कितने वस्तु खरीद सकते हैं, ये मात्रा और क्षमता उसी प्रकार से है। समय, हमें कितने समय तक काम करना होता है, कितने समय तक काम करना चाहिए,
इसका अगला घटक है, कंपोनेंट है पैटर्न्स, पैटर्न्स की पहचान करना। पैटर्न्स में मुख्यतः चार बातें आती हैं, जिनमें से पहला है पैटर्न्स की पहचान करना। जैसे यहाँ सामने लिखा हुआ एक दो या दो पाँच आठ ग्यारह, तो इनकी हम पहचान करें। पहला पैटर्न वो देखेंगे एक के बाद दो, फिर एक, फिर दो, तो ये पैटर्न की पहचान है। अगला को देखें, दो के बाद पाँच है, पाँच के बाद आठ है, आठ के बाद ग्यारह है, तो हम इसकी पहचान करेंगे। दो में तीन जोड़ने के बाद पाँच आता है, पाँच में तीन जोड़ने के बाद आठ आता है, आठ में तीन जोड़ने के बाद ग्यारह आएगा, तो ये इस तरह से पैटर्न की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद नियम का वर्णन करना। नियम का वर्णन करने के लिए बच्चों को चारों ओर उसको पैटर्न को देखें, देखने दें। साड़ियों में पैटर्न होते हैं, टाइलों में पैटर्न होता है, बॉर्डर में पैटर्न होता है, ये पैटर्न का विस्तार देखें और वो पैटर्न कैसे बने हैं उसको नियम बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो नियम का वर्णन करना, ये दूसरा पैटर्न के भाग होते हैं। तीसरा है पैटर्न का विस्तार। पैटर्न को यदि पहचान ले, उसके नियम को देख लेते हैं, तो वो उस पैटर्न का विस्तार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पैटर्न, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें दोहराव की जो इकाई है एक दो तीन है, तो एक दो तीन के बाद फिर एक दो तीन आएगा, फिर एक दो तीन आएगा, फिर एक दो तीन आएगा। और यदि ये तीनों काम एक बच्चा कर लेता है, वो सीख लेता है, पैटर्न की पहचान करना आ जाता है, पैटर्न के नियम का वर्णन करना आ जाता है और पैटर्न का विस्तार करना आ जाता है, तो वो खुद ही नए पैटर्न को बना सकता है। एक बार जब बच्चा ये तीनों पैटर्न कर लेता है, तो नए पैटर्न बना सकता है और उसकी रचनात्मकता कौशल का विकास होगा। अगला घटक है आंकड़ों का प्रबंधन। इस आंकड़ों के प्रबंधन में जो मुख्य बातें हैं, सूचना को व्यवस्थित करना और सूचनाओं को संख्याओं में दर्ज करना और निष्कर्ष निकालने या उससे निर्णय लेने के अवसर प्रदान करना। रिकॉर्डिंग जानकारी के महत्व को उजागर करने के लिए बच्चों को चर्चा में अवश्य शामिल करना चाहिए। ऐसी स्थितियां बनाना कि बच्चा जानकारी को रिकॉर्ड करने और सार्थक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अपने तरीके का उपयोग करें। बच्चों को आंकड़े रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने के तरीके तलाशने और उनसे निष्कर्ष निकालने का उनको अवसर दें। बच्चों को गतिविधियों और चर्चा में भाग लेने, प्रश्न उठाने, व्याख्या करने आदि के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को समूह मूल्यांकन में शामिल करना, जहां छात्र समूह के रूप में काम करते हैं और आंकड़ा एकत्र करते हैं और प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसका अगला घटक है गणितीय संचार। गणितीय संचार एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीक, सिंबल, संकेत, आरेख और ग्राफ के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सुनना और पढ़ना, जिसको हम समझना कहते हैं, और बोलना और लिखना, जिसको हम अभिव्यक्ति, ये दोनों शामिल है गणितीय संचार में। तो गणितीय संचार बहुत महत्वपूर्ण है। मूलभूत गणितीय कौशल बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएं क्या क्या होना चाहिए? संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र हो, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक, सिलेबस, ये सारे चीज अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है, ये बच्चों को ध्यान में रख करके बच्चों के लिए होना चाहिए। दूसरा है अन्वेषण और गणितीय सोच के लिए अवसर प्रदान करना। बच्चों को केवल पढ़ाते जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित को किस तरह से काम करता है वो सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको समय देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। जोड़ तोड़ या खिलौने शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। खिलौनों का उपयोग करना चाहिए, खिलौनों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए और उससे इस तरह से गणिति को सीखा जा सकता है। दैनिक जीवन में गणित, दैनिक जीवन में बहुत सारे गणित है, दैनिक जीवन में तो गणित ही गणित है। उनको
दैनिक जीवन के गणित को समझाना चाहिए, सब्जी खरीदना, खेल खेलना, खेल खेलने में भी गणित है, काम करने में भी गणित है, किसान के पास भी गणित है, सबके पास गणित है, ये सारे गणित ये समझने का अवसर देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, शिक्षक का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम बच्चे के भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा से हम गणित सिखाएं, जबकि सिखाना चाहिए बच्चे की जो भाषा है उस भाषा को ध्यान में रख करके हमारी भाषा का उपयोग करना चाहिए, बच्चे की भाषा से गणित सिखाना चाहिए। गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ना चाहिए, केवल गणित सिखाने के लिए गणित ही गणित नहीं हो, हिंदी में भी गणित है, विज्ञान में भी गणित है, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, सभी विषयों में गणित है, तो सभी विषयों का उदाहरण देना चाहिए और गणित को सिखाना चाहिए। गणितीय रूप से संचार करना चाहिए, हम जो बोलते हैं वो गणित के रूप में भी होना चाहिए। 3 × 2 = 5 होता है, 3 को 2 से मिलाया जाए तो 5 होता है, जिसको हम 3 × 2 = 5 लिखते हैं। 5 3 से बड़ा होता है, जिसको हम 5 = 3 सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से गणितीय रूप से संचार करना सिखाया जाना चाहिए। समस्या समाधान करने का समर्थन और वैकल्पिक रणनीतियों को स्थान देना चाहिए। गणित में आनंद आए ऐसे मनोरंजन के साथ गणित को सिखाना चाहिए। सीखने में त्रुटियों के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को कभी भी नहीं रोकना चाहिए कि कोई प्रश्न को हल करते समय उन्होंने त्रुटि किया, बल्कि कहाँ त्रुटि किया इसको बताना चाहिए और उस त्रुटि से क्यों त्रुटि हुआ, तो नए चीज उस त्रुटि से सीखते हैं कि इस काम करने के कारण उसको त्रुटि हुआ है। तो त्रुटि तो होगा ही, त्रुटि होने पर उस बच्चे को डांटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि त्रुटियों का स्थान होना चाहिए और उस त्रुटियों से सीखा जाना चाहिए। सहयोगात्मक अध्ययन अधिगम होना चाहिए, बच्चों को अकेला ना सीखे, उसके समूह में सीखना चाहिए, एक बच्चे दूसरे बच्चे को सिखाए, ये सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए और वो अपना आकलन स्वयं करे। उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रियाएं, मूल्यांकन परीक्षणों और तकनीकों की बहुलता होना चाहिए। जब हम अध्ययन अध्यापन कर लेते हैं तो वो कितना सीखे हैं, क्या क्या नहीं सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये जानना ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए मूल्यांकन के लिए, तो कुछ प्रोसेस महत्वपूर्ण है जिसमें से पहला है मूल्यांकन परीक्षणों और तकनीकों की बहुलता। मूल्यांकन करने के लिए एक ही प्रश्न पत्र नहीं बनाना चाहिए, कुछ प्रश्न ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बहुत सारे प्रश्न पत्र बनाने चाहिए, बहुत सारे परीक्षण बनाना चाहिए और परीक्षण में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। सीखने के प्रतिफलों के आधार पर मॉडल मूल्यांकन का परीक्षण बनाना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रख करके परीक्षण बनाना चाहिए। प्रश्न बैंक का विकास करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न बैंक बनाना चाहिए और उन जिससे मूल्यांकन आसानी से किया जा सके, मूल्यांकन करने के लिए ज़्यादा अवसर मिले, सीखने के ज़्यादा अवसर मिले, तो प्रश्न बैंक का विकास करना चाहिए। आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का निर्माण करना चाहिए, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, जो सामग्री होती है उन सामग्रियों का भी उपयोग आकलन के लिए करना चाहिए। ठोस, गोला, त्रिकोण, त्रिभुज, ये सब बताने के लिए वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और उन वस्तुओं को देख करके पूछना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये इस तरह से श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और उसका निर्माण भी करना चाहिए। सीखने के स्तर का मूल्यांकन या परीक्षण करना चाहिए, वो कहाँ कहाँ सीखता है, कैसे सीख सकता है, ये इस स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए, न कि कितना सीखा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये मूल्यांकन की ये कुछ प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस का अपने को पालन करें और बच्चे का मूल्यांकन ठीक से करें। तो अभी आपने ये दोनों कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है और कुछ बातें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस माह कोर्स 9 और कोर्स 10 को पूर्ण करना है, सफलतापूर्वक हासिल करना है। इसके बाद अगला माह जो है
मार्च में कोर्स 11 और कोर्स 12 आएगा। आप सभी को मालूम है कि निपुण भारत योजना के अंतर्गत निष्ठा 3.0 के लिए पूरे सफलतापूर्वक निष्ठा 3.0 संपन्न हो इसके लिए 12 कोर्स बनाया गया है और इस 12 कोर्स को करना है। तो ये 12 कोर्स अगले माह सफलतापूर्वक आप लोग प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पिछले हमारा अनुभव यह है कि बहुत सारे शिक्षक साथी कोर्स को नहीं कर पाए हैं, कोर्स 1 से 8 तक को नहीं कर पाए हैं। तो जिन शिक्षक साथी कोर्स 1 से 8 तक को नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनको कोर्स कैसे कराया जाए, ये इन पर विचार किया जा रहा है। और जब कोर्स 11 और 12 अगले माह मार्च में समाप्त हो जाएगा तो अप्रैल में फिर से हम रिव्यू करेंगे और उन शिक्षक साथियों को जो कोर्स नहीं कर पाए हैं उनको कोर्स कराने का अवसर मुहैया कराया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आज इतना ही, तो धन्यवाद। हम फिर अगले माह फिर 2 नए कोर्स 11 और 12 लेकर के आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।